नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्थिर चित्र स्टिल लाइफ ड्राइंग ग्रेड परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय। आज हम ग्रीन पपाया सामने रखे हुए चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कीजिए। जिस तरह से चीज तुम्हें सामने दिखाई देती है, ठीक उसी तरह पेंसिल रेखाटन करने के बाद आज हम पोस्टर कलर का अभ्यास करेंगे। पोस्टर कलर किस तरह से किया जाता है विद्यार्थी मित्रों, इसका ध्यान रहे। पोस्टर कलर करते समय पानी कम यूज कीजिए, यानी कि ठीक कलर। हर एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन करो, तुम्हें जैसे दिखाई देता है ठीक उसी तरह कलर करने का प्रयास कीजिए। कलर हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से ब्रश को चलाइए। हमेशा एक ध्यान रहे, कलर करते समय 3D इफेक्ट आना जरूरी है, लाइट, मिडल और डार्क। राउंड के हिसाब से ब्रश को चलाइए। स्थिर चित्र की रंग योजना, कलर स्कीम को अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप उस पर समूह की एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव आकारों में मामूली परिवर्तन कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अखा ग्रीन पपाया का कलर करने के बाद इसी पपाया को काटने के बाद अंदर का जो पार्ट होता है वो कलर किस तरह से किया जाता है इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। रंग भरने का अभ्यास करने की शुरुआत करते समय प्रत्येक वस्तु को बारी बारी में कलर करने का पूरा करें। वस्तुओं को और प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वस्तु पर केवल एक ही ओर से प्रकाश पड़े। विद्यार्थी मित्रों, हमेशा एक ध्यान रहे, हर एक कलर करते समय लाइट, मिडल और डार्क टोन आना जरूरी है। अपारदर्शी रंग से मध्यम और गाढ़ा ठीक लेपन करना चाहिए। विद्यार्थी मित्र हो, वीडियो का पूरा ऑब्जर्वेशन करो और ठीक उसी तरह प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ग्रीन पपाया का कलर करने के बाद हर एक चीज के सामने हल्का सा एक शैडो दे दीजिए। विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ? आवडल्यास इतरांना नक्की शेअर करा। धन्यवाद।